Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Class, मैं आपको पिछली वीडियो में चैप्टर हिस्ट्री में आपको धार्मिक एवं सामाजिक सुधार पढ़ा चुकी थी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हमारे समाज में कई तरह की बुराइयां फैली हुई थी। उन बुराइयों से निपटने के लिए हमारे समाज में कई धार्मिक एवं सामाजिक समाज सुधारकों ने जन्म लिया और हमारे समाज में कई सुधार भी किए। तो बच्चों, आज मैं आपको सिविक्स में चैप्टर 19 भारत में न्यायिक कार्य प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत में न्यायपालिका किस तरह से काम करती है। ओके, भारत में न्यायपालिका का क्या काम है, भारत में न्यायपालिका किस तरह से काम करती है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वह क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है। ओके, भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है और भारत सरकार की कार्यपालिका और विधायिका के अंग अलग अलग है। माने हमारे समाज, हमारे भारत में कार्यपालिका और विधायिका दोनों क्या है, अलग अलग है। ओके, भारत की कार्यपालिका प्रणाली विभिन्न स्तरों में एकजुट भी है। ओके, भारत की, मैंने आपको क्या बताया, भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या है, अपने आप में स्वतंत्र संस्था है। भारत सरकार की कार्यपालिका और विधायिका, माने जो कार्य करती है, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों क्या है, अलग अलग अंग है। भारत की न्यायपालिका, माने भारत की न्यायपालिका जो है वो विभिन्न स्तर, यानी विभिन्न स्तरों से एकजुट भी है। ओके, शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, माने हमने आपको बताया कि जो हमारा न्यायपालिका है, ओके, तो न्यायपालिका जो हमारी है वो कई स्तरों में बटी होती है। न्यायपालिका के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो न्यायपालिका जो हमारी है वो कई स्तरों में बटी होती है। सबसे नीचे हमारा क्या होता है, यानी जिला स्तर, राज्य स्तर और उच्च स्तर। जिला स्तर, यानी जिला स्तर पर, जिला स्तर पर, ओके, नेक्स्ट क्या है, राज्य स्तर पर, और ऊपर जो हमारा है वो क्या है, केंद्र, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ओके, इसे हम लोग इंग्लिश में हम लोग जो कहते हैं, माने इस प्रकार हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो कितनी, तीन भागों में डिवाइडेड है। क्या है, जिला स्तर, जिला स्तर पर जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर कौन काम करता है, हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय के स्तर पर कौन काम करता है, हाई कोर्ट। ओके, इस प्रकार आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, मतलब जो हमारे भारत सरकार द्वारा जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो तीन भागों में डिवाइडेड है। मतलब इसे हम लोग उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय राज्य स्तर पर, उच्चतम न्यायालय जिला स्तर पर जिला न्यायाधीशों द्वारा, तथा ग्राम एवं पंचायत स्तर पर लोक अदालत की स्थापना की गई है। ओके, भारत की न्यायपालिका सिविल एवं आपराधिक अपराधों के संबंध में, यानी संबंधित समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी ख्याल रखता है। माने जो भी हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो हमारे देश की, जो हमारे देश में क्या आपराधिक मामले हैं, माने जो भी हमारे सिविल और आपराधिक मामले हैं उनसे संबंधित, तथा इनको सुलझाने में, तथा देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में काम करती है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा न्यायिक व्यवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है। तो न्यायिक व्यवस्था एक वह व्यवस्था है जो हमारे देश में न्यायपालिका क्या काम करती है, सिविल और आपराधिक अपराधों से संबंधित मामलों को निपटाने में, तथा देश में न्यायिक, माने देश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए काम करती है। ओके, नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उच्चतम न्यायालय, इट मीन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ओके, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमारा क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत के शीर्ष में उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय हमारा कहाँ स्थित है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ओके, जिसकी 28 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी, माने इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950
50 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 में की गई थी तथा ये अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 यानी फर्स्ट के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 124 फर्स्ट के अंतर्गत किया गया था। इस अनुच्छेद 124 फर्स्ट में संबंध इस तरह से यानी संबंध इस तरह से पढ़ा जाता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट और संसद द्वारा कानून से न्यायाधीशों यानी न्यायाधीशों की बड़ी संख्या 7 से अधिक का प्रावधान नहीं है। माने जो भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी जो 124 फर्स्ट अनुच्छेद के माध्यम से की गई थी। इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 7 से अधिक नहीं हो सकती। ओके, फिर इसके बाद 1986 यानी 1986 के संशोधन यानी संशोधन किया गया जिसमें संशोधन अधिनियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 25 करने का प्रावधान हो गया था। माने तब तक क्या था? हमारे यहाँ न्यायाधीशों यानी न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 25 करने का प्रावधान हो चुका था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति किस तरह से होती है। ओके, कि हाँ मैंने सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए तो राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचार विमर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। किसकी? यानी राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय यानी राष्ट्रीय राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सहमति से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ओके, अब आपको समझ में आ गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाले सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचार विमर्श के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, माने उच्च यानी मुख्य न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या क्या है। तो वो सबसे पहला क्या है, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष का उसे अनुभव हो कि 5 वर्ष का अनुभव हो तथा उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो। पहला पॉइंट क्या है, वह भारत का नागरिक हो, उसे 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो तथा उसने 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रपति की दृष्टि में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, माने क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति की नजर में या राष्ट्रपति की दृष्टि में वो क्या हो, एक न्यायिक यानी एक परंपरागत विधिवेत्ता हो। ओके, उच्चतम न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी 65 वर्ष की आयु तक न्यायालय में अपने अधिकार को रख सकते हैं। माने इनकी जो आयु होती है, माने इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो क्या होती है, 65 ईयर्स होती है। ओके, ये 65 ईयर्स तक अपने पद पर काम कर सकते हैं। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यालय या पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। माने जो भी हमारा मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अदर भी जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें केवल राष्ट्रपति माने राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को या न्यायाधीशों को कार्यालय की अवधि मिलती है, माने राष्ट्र जो भी हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं जो भी हमारा न्यायाधीश इनकी इनमें क्या होता है, कार्यालय माने जिस कार्यकाल जहां ये काम करते हैं वहां उन्हें एक टाइम पीरियड दिया जाता है। ओके, तथा मनमाने ढंग से उन्हें
कार्यकारी पद से हटाया नहीं जा सकता, माने उन्हें की मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा पॉइंट है जिससे उन्हें हटाया नहीं जा सकता, तो उन्हें क्या है, उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है, उन्हें मनमाने तरीके से हटाया नहीं जा सकता। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपसे सुप्रीम माने भारत में न्यायिक कार्यप्रणाली क्या है, भारत में न्याय व्यवस्था किस तरह से काम करती है, तो न्याय व्यवस्था जो हमारी है वो जिला स्तर, राज्य स्तर तथा उच्चतम न्यायालय के रूप में काम करती है, तथा हमारे देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्याय कार्यप्रणाली पूरी तरह से काम करती है कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो भी हमारे आपराधिक मामले हैं इनको सुलझाने का काम करती है तथा देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। ओके, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, जो 124 फर्स्ट अनुच्छेद के माध्यम से की गई थी। नियुक्ति मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति मतलब जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों की सहमति से होता है, मतलब इसे राष्ट्रपति के आदेश से ही इसे अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इस न्यायाधीश की योग्यता क्या होना चाहिए, तो भारत का उसे क्या होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत की होनी चाहिए, राष्ट्रपति की दृष्टि में वह एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया है, मैं अगले वीडियो में आपसे इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक डिस्कस करूंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।